हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट कर दी एक बेहतरीन सीरीज अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस की। आपके लिए हम खत्म करने वाले हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट बी, जिसमें हम पढ़ते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने कवर कर लिया था, कंसेप्ट कवर कर लिए थे, हमारे कंसेप्ट हो गए थे, क्लासिफिकेशन हो गए थे, इंडस्ट्री, कॉमर्स। अब हमें यहाँ से पॉइंट कवर करना है। आज की वीडियो में हम ये तीन पॉइंट कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस रिस्क और नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बाकी का कोई पॉइंट कोर्स में नहीं है। छोटी वीडियो बनेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी ये। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस? अच्छा देखो, आप कोई भी दुकान डालो यार, है ना, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, चाहे वो सर्विस का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे लार्ज स्केल पे हो, चाहे स्मॉल स्केल पे हो, चाहे मीडियम स्केल पे हो, सबसे पहली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बिजनेस का एक ही होता है, क्या? टू अर्न प्रॉफिट। क्या होता है? अर्न प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि प्रॉफिट कमाना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है बाबू। लेकिन अगर तुम्हें लंबे समय तक बिजनेस करना है, ऐसा नहीं है कि एक साल के लिए बिजनेस स्टार्ट किया, फिर प्रॉफिट कमाया, फिर दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा नहीं। अगर तुम्हें लंबे समय तक बिजनेस करना है तो तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। वो क्या होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, अच्छा, तो अभी मैंने क्या कहा, अगर आपको लंबे समय तक बिजनेस करना है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है। आप लगातार एक इकोनॉमी से सिर्फ पैसा ले नहीं सकते, उनसे सिर्फ इनकम जनरेट नहीं कर सकते, उनको तुम्हें कुछ वापस भी करना पड़ेगा। जैसे रिलायंस उठा लो, आज की आजू बाजू तुम डेट में देख लो, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, इसका नाम, ये दो कंपनी ऐसी हैं, आई होप सबने नाम सुना होगा। रिलायंस भी क्या करती है? खूब ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है। कभी क्या बोलते हैं, अपने अक्षय पात्रा में पैसा लगा दिया, कभी हॉस्पिटल बना दिया, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे रही है, कस्टमर को गुड क्वालिटी सर्विसेज दे रही है, सस्ते में इंटरनेट दे रही है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है, ये सर्विसेज से रिलेटेड हो गई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो गई, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट। क्योंकि अर्निंग प्रॉफिट तो एक मेजर गोल होता ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट क्या है, व्हाट आर योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? इट मींस सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी, है ना भाई। टुवर्ड्स सोसाइटी इसका मतलब क्या, अगर मैं हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहा हूं तो सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों से पैसा लेना या पैसा कमाना ही मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। मुझे हिंदुस्तान के लोगों को अपार्ट फ्रॉम डूइंग द बिजनेस कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ना कुछ पे बैक करना पड़ेगा। अब वो भले ही मैं वो हॉस्पिटल बनाऊँ, स्कूल बनाऊँ, कस्टमर्स को रिटर्न अच्छा दूँ, ठीक है, सप्लायर को टाइम पे पैसा दूँ, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो हिंदुस्तान से ही हैं, यानी एक बाउंड्री से ही है, एक बाउंड्री ऑफ अ नेशन से ही जहाँ मेरा बिजनेस है। ठीक है, तो ये हो गए दो पॉइंट। आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट दिया गया है, इसके अंदर दो चीज़ें दी गई, एक ऑब्जेक्टिव, एक मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, तो बच्चे कन्फ्यूज आते हैं। मेजर जो मेजर दिया गया ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, उसमें सिर्फ एक पॉइंट दिया गया, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू अर्न प्रॉफिट। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पैसा कमाना ही एक ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा जो पैरा है, दूसरे पैरा या बात करें हम जो आगे के टॉपिक दिए गए, उसमें ये क्या है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, नहीं, सिर्फ प्रॉफिट कमाना बिजनेस का पार्ट नहीं है। लंबे समय तक बिजनेस करना है तो तुम्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होगी। अब वो चाहे तुम्हारे ओनर्स की तरफ हो, है ना, चाहे कस्टमर्स की तरफ हो, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, एटसेट्रा, ओवरऑल सोसाइटी, ये सबकी तरफ हर एक बिजनेस की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, राइट, ये पॉइंट खत्म। अब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। अब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, 8 पॉइंट दिए गए, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भाई? सबसे पहला कह रहा है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग मतलब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर बिजनेस इन मार्केट अगेंस्ट योर कंपटीटर। तुम शैम्पू बनाते हो तो मार्केट में जितने लोग शैम्पू बना रहे हैं उनके मुकाबले तुम्हारे पास कितना मार्केट शेयर है? अरे भाई, हेड एंड शोल्डर के पास 30% है, किसी के पास 20% है, क्लिनिक प्लस के पास 50% है, तुम्हारा पोजिशन क्या है? ये हो गया मार्केट स्टैंडिंग। मतलब क्या हो गया, परफॉर्मेंस, या परफॉर्मेंस नहीं, पोजिशन
ऑफ योर बिजनेस इन मार्केट अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर्स, है ना, कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले तुम्हारा क्या मार्केट स्टैंडिंग है, बिजनेस की पोजीशन क्या है। ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरा कह रहा है इनोवेशन। भाई इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इनोवेशन मतलब दो तरीके से। पहली चीज इनोवेशन डूइंग समथिंग न्यू, ठीक है, समथिंग न्यू, सबसे सिंपल बात। अब ये समथिंग न्यू मतलब क्या, आने वाले समय में अगर तुम लगातार इनोवेशन नहीं करोगे तो कोई और ये काम करेगा, और जो ये काम करेगा वो बिजनेस में आगे चला जाएगा। तो हमें अगर लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को सर्वाइव करना है तो लगातार इनोवेशन करना ही पड़ेगा। अब ये दो तरीके से होता है, प्रोडक्ट में या सर्विसेज में जिसे हम कहते हैं, या फिर स्किल्स में। ठीक है, ठीक है, अगर आप स्किल सेट की बात करो लोगों को काम करने के तरीके में। अब फॉर एग्जांपल तुम कहते हो ये है नया शैम्पू, इसमें नए नए विटामिन, नए नए चीजें, ब्रांड न्यू है क्या शैम्पू? हर बार कोई कंपनी क्या करती है, एक नया प्रोडक्ट निकालती है और उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड कर देती है। वो लगातार इनोवेशन कर रही है। उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि उसको मार्केट में सर्वाइव करना है। अगर आप इनोवेशन नहीं करोगे तो आप मार्केट से बाहर चले जाओगे। अब इनोवेशन दो तरीके से होता है, या तो प्रोडक्ट में चेंजेस ले आओ, या तो काम करने के तरीके में, स्किल सेट में, डिपेंड अपॉन कि तुम्हारा बिजनेस क्या है। ठीक, दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी। सॉरी, एक पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। प्रोडक्टिविटी क्या मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का लेना देना दो चीजों से है, पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट। प्रोडक्टिविटी कब अच्छी होगी? जब मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो, जब कॉस्ट कम हो यानी लागत कम हो और रेवेन्यू ज्यादा हो। यार लगाया 10 रुपया, कमाया 100 रुपया, तो यहां पर क्या है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 90 गुना है। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा काम चल रहा है, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ये बिजनेस की बढ़ती है कब? जब हम रिसोर्सेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिसोर्सेस की बात करते हैं कि हम कितनी रिसोर्सेज इनपुट एज इनपुट यूज कर रहे हैं और उससे आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कब बढ़ती है? जब हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम पॉइंट। अब फिजिकल रिसोर्सेज की बात करो तो क्या होता है भाई? फिजिकल रिसोर्सेज हो गई हमारी मशीन्स, है ना, हमारा ऑफिस, हमारा इक्विपमेंट्स, हमारा प्लांट्स, ये सब क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? फाइनेंस। भाई फाइनेंस से ही ये सारी चीजें मेंटेन की जाती। भाई पैसा है, उसी का हिस्सा मशीन में जा रहा, ऑफिस में जा रहा, प्लांट में जाना है। यहां पर क्या होता है, बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि आप अपनी फिजिकल और फाइनेंशियल, यानी मशीन, लेबर प्लस पैसा, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि सबसे ज्यादा आउटपुट जनरेट हो। ये हो गया फिजिकल और फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक, फिर ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ पॉइंट देखो क्या कह रहा है, अर्निंग प्रॉफिट। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट ना हो, एक मिनट दीजिएगा। यहां पर लिखा है डैश परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, यहां पर होगा वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। अब देखो दो चीजें, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। फर्क क्या आता है? अगर एक बिजनेस रन कर रहे हो तो तुम्हें मैनेजर्स चाहिए होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। वो मैनेजर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। भाई फाइनेंस मैनेजर के हिसाब से ही प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होती है, ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स हैं। ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी हम अपना आउटपुट और फाइनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाते हैं। तो ये देखा जाता है कि आप आने वाले समय में अपने मैनेजर्स को कितना डेवलप कर रहे हो, कितना ट्रेन कर रहे हो। तो सबसे पहला एक और ऑब्जेक्टिव आ जाता है रिलेटेड टू मैनेजर एज वेल एज वर्कर्स, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, कि किस तरीके से मैनेजर्स का डेवलपमेंट हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैनेजर्स स्किल सेट गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज देखी जाती है, मैनेजर्स का परफॉर्मेंस देखा जाता है ताकि आउटपुट अच्छा हो सके। दूसरा होता है वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, इसको भी इतनी ही इंपॉर्टेंट दी जा रही है। दोनों में फर्क क्या है भाई? मैनेजर्स होते हैं ऑफिशियल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, वर्कर्स होते हैं लोअर लेवल, फैक्ट्री लेवल पे, जिसे हम बात करते हैं।
अब अगर मैंने कहा बिजनेस में मैनेजर्स की भी जरूरत है, अंबानी को मैनेजर्स की भी जरूरत है, अंबानी को फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की भी जरूरत है, लेकिन अब अगर मैंने कहा मैनेजर का डेवलपमेंट हो रहा है तो आउटपुट जनरेट हो रहा है, लेकिन कल को वर्कर नाराज हो गया, कह रहा हम काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा भाई? स्ट्राइक हो जाएगी, लॉकडाउन लग जाएगा, ठीक है? लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन कह रहे हैं, लॉकआउट हो जाएगा, ठीक है, ताला पड़ जाएगा फैक्ट्री में, कोई काम ही नहीं करने को राजी होगा। तो वर्कर का परफॉर्मेंस और वर्कर का एटीट्यूड टुवर्ड्स मैनेजमेंट, इसको भी कॉर्डियल मेंटेन करना होता है। कल को अगर वर्कर नाराज हो गए मैनेजमेंट से, तो भाई फैक्ट्री में काम ही नहीं हुआ, और फैक्ट्री में काम नहीं हुआ तो मैनेजर को सैलरी कहां से दोगे? ठीक है, समझ में आया? तो ये दोनों चीजें हैं। आखिरी में क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ये हो गया हमारा क्या, हमारा हो गया ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बिजनेस रिस्क। रिस्क बिजनेस में रिस्क क्या होता है? कि भाई लॉस हो जाएगा, यही रिस्क है। मैंने कहा आपसे, कहो बिजनेस में रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ लॉस, फियर ऑफ लॉस, यही है रिस्क। तो मीनिंग क्या कहती है? मीनिंग कहती है इट रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, और लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। व्हाट आर अनसर्टेनिटीज? अनसर्टेनिटीज मतलब अनफोर्सीन इवेंट्स दैट मे प्रिडिक्ट इन लॉसेस, ठीक है, जिससे हमारा आगे चल के फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं? लॉसेस हो रहे हैं। सपोज करो चोरी हो गई, आग लग गई, ठीक है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस चेंज हो गई, मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, यहां पर क्या हो गया? लॉसेस हो गए। तो ये अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज मतलब क्या होता है? अनवांटेड इवेंट्स, जो नहीं चाहिए होते फिर भी हो गए। अब रिस्क को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया यहां पर। पहले देखो दो तरीके हैं। एक लोअर डिमांड, मार्केट में डिमांड ही नहीं है तुम्हारे प्रोडक्ट की, इससे क्या होगा भाई? प्राइसेस गिर जाएंगे, लॉस हो जाएगा। दूसरा कह रहा है शॉर्टेज ऑफ सप्लाई या शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं हुई तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगी, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, सप्लाई कम हो गई तो कॉस्ट बढ़ानी पड़ गई, यही तो होगा। दो केसेस हो गए। अब रिस्क दो तरीके से हो गया, हमने एक एग्जांपल समझ लिया, अब इसको टाइप भी समझ लेते हैं, ठीक है। बिजनेस रिस्क के दो टाइप होते हैं, पहला होता है स्पेक्युलेटिव, दूसरा होता है प्योर। स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है? इसमें चांसेस होते हैं कि प्रॉफिट भी हो सकता है, नहीं तो लॉस भी हो सकता है, मतलब दोनों के ही चांसेस होते हैं। प्योर रिस्क मतलब लॉस होना तय है, या तो लॉस होगा या तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आग लग गई, मैंने कहा भूकंप आ गया, पानी भर गया यार लो, और इन सारी चीजों में चोरी हो गई, ये सारी चीजें किससे रिलेट करती है? प्योर रिस्क से, कि अब भाई आग लग गई तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या है? इट इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। आग लग गई तो पूरी तरीके से नुकसान, नहीं हुआ तो भाई बच गए, ठीक। तो मैंने कहा लॉस बाय फायर, चांसेस ऑफ थेफ्ट एटसेट्रा, कोई नेचुरल कैलमिटी आ गई, ठीक। स्पेक्युलेटिव लॉसेस में क्या हो गया? मैंने कह दिया स्पेक्युलेटिव लॉसेस में ये होता है कि ये पॉसिबिलिटी होती है लॉस की भी और गेन की भी। अब ये क्यों होता है? अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन में आपको कैसे समझाऊं? कह रहा है कि मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करते हैं स्पेक्युलेटिव लॉसेस। अब मार्केट कंडीशन दो होती हैं, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। अब भाई फेवरेबल है तो भाई लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन है तुम्हारे प्रोडक्ट के हिसाब से तो क्या होगा? लॉस। तो यहां पर क्या है? फेवरेबल कंडीशन, जैसा डिमांड, जैसा सोचा था डिमांड है वैसे ही डिमांड है, उसी हिसाब से सप्लाई करी तो भाई फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। अनफेवरेबल कंडीशन, हमने डिमांड जैसी एक्सपेक्ट की थी वैसी डिमांड है नहीं, अब हमारे प्रोडक्ट का जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अनसोल्ड पड़ा हुआ है, जिससे अब हमें क्या हुआ? प्राइसेस गिरा के बेचने पड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? लॉस हो गया। तो स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है? जो मार्केट कंडीशन पे भी होते हैं। अगर मार्केट कंडीशन अच्छी है तो हमारा भाई कोई लॉस नहीं, मार्केट कंडीशन खराब हो गई, अनफेवरेबल हो गई तो नुकसान ही नुकसान। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के नेचर को चार तरीके से बताया गया, लास्ट टॉपिक है ये। सबसे पहला है इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज जो अनवांटेड इवेंट्स होते हैं, जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं? अनसर्टेनिटीज। भाई चोरी हो गई, आग लग गई, ये सारी चीजें क्या है? अनसर्टेनिटीज। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट ऑल दीज थिंग, ठीक। रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। भाई अगर बिजनेस की डेफिनेशन देखोगे तो उसी में आता है कि विद अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क क्या होता है? हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन इंगेजेस हिमसेल्फ इन अ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट विद अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो अगर डेफिनेशन ही देखोगे तो कह रहा है रिस्क है भाई, कोई बिजनेस बिना रिस्क के नहीं हो सकता है। बिजनेस कर रहे हो, रिस्क है, बिजनेस के साथ रिस्क एक एसोसिएटेड एलिमेंट है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द बिजनेस नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, भाई तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तुम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और दूसरा तुम्हारा बिजनेस कितना बड़ा है, 10 लाख का है कि 10 करोड़ का है। तो नेचर क्या है और साइज क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। भाई जितना पैसा लगाया, तुमने 10 लाख लगाया तो डूबने का कितना खर्चा है, 10 लाख का। तुमने 10 करोड़ लगाया तो डूबने का कितना क्या बोलते हैं रिस्क है, वो है 10 करोड़। तो ये क्या है, नेचर क्या है आपके बिजनेस का, आप काम क्या करते हैं और आपने किस स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो, साइज क्या है आपके बिजनेस का, ठीक है। तो रिस्क इस पे डिपेंड करता है, नेचर और साइज पे। बड़ा बिजनेस बड़ा रिस्क, छोटा बिजनेस छोटा रिस्क, ठीक है। रिस्क ले रहे हो तो बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। ये हो गए हमारे 4 नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। आगे बढ़ते हैं और यहां पर हमारा चैप्टर होगा शायद खत्म। मिलते हैं क्लास नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।